तो मैडम बच्चे से आप पैसे मांगोगी तो इतने पैसे ही होंगे मेरे पास, अब हजारों रुपए कहाँ से आएंगे, मैं तो पढ़ता हूँ प्लस वन में। कम से कम आपके पास 1000-2000 ऐसा, 1000 चलिए, 2000 नहीं 1500 तो होगा ही ना सर। मैडम अगर इतने पैसे मेरे पास हो तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवा के अपनी गर्लफ्रेंड को ना घुमाऊं, उसे कहीं अच्छी जगह लेकर पिज्जा खिलाऊं, बर्गर खिलाऊं, मैं भी इंजॉय करूं, वो भी इंजॉय करे। नहीं मैडम। सर जानते हो राजन जी को? बोलिए। तो राजन जी को जानते हो क्या सर आप? जानता हूँ, मेरे पापा हैं वो। पापा है? सर मैं IDFC बैंक से बोल रही हूँ, राजन जी ने लोन लिया हुआ था सर, अभी तक रिपेमेंट नहीं किया। ये तो मैडम वही बताएंगे। क्या सर? मैडम ये तो उनको पता होगा, मेरे को क्या पता मैडम। हाँ तो सर यही नंबर से लिया हुआ है ना सर। तो मैडम वो बाहर गए हुए हैं ना, आउट ऑफ कंट्री है वो, आपको बताया तो था 2 दिन पहले भी, आप बार बार एक ही बात पूछते हो फोन करके, तो अब इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब तक ये कहीं क्लोज नहीं करवाएंगे तब तक कॉल तो जाते रहेगा ना सर, आप चाहे जितनी बार बोल दो उतनी बार। तो मैडम वो यहाँ पे है ही नहीं है, वो कनाडा गए हुए हैं, उन्होंने 28 अगस्त को आना है। क्या? 28 अगस्त को आएंगे वापस, तो अगस्त में आएंगे। हाँ 28 को, 28 अगस्त। हाँ तो 30 अगस्त को कर लेना फोन आप। तब तक रुक के क्या करेंगे, आपके पापा ही है ना, तो मिनिमम पेमेंट आप कर दीजिए ना सर। मैडम मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, मेरे पास तो थोड़े 100-200 रुपया पॉकेट मनी देकर जाते हैं, मेरे को इतने पैसे कहाँ से दूँ मैं आपको। हेलो। हाँ बोलिए। मैडम मेरे पास तो 100-200 रुपया पॉकेट मनी होता है, वो लेना तो ले लो, अगर उस पर आपका कुछ बनता। 100-200 सर चंदा दे रहे हो क्या? तो मैडम बच्चे से आप पैसे मांगोगी तो इतने पैसे ही होंगे मेरे पास, अब हजारों रुपए कहाँ से आएंगे, मैं तो पढ़ता हूँ प्लस वन में। कम से कम आपके पास 1000-2000 ऐसा, 1000 चलिए, 2000 नहीं 1500 तो होगा ही ना सर। मैडम अगर इतने पैसे मेरे पास हो तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवा के अपनी गर्लफ्रेंड को ना घुमाऊं, उसे कहीं अच्छी जगह लेकर पिज्जा खिलाऊं, बर्गर खिलाऊं, मैं भी इंजॉय करूं, वो भी इंजॉय करे। आजकल आपको पता पेरेंट्स देते ही 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं, उनको पता है कि बच्चा बिगड़ जाएगा अगर ज्यादा पैसे दिए तो। 100-200 नहीं देते क्योंकि सर इनका टोटल अमाउंट है, इनका जो टोटल अमाउंट है सर, इनका जो टोटल अमाउंट है वो 74,690 है सर। वो मैडम फिर इतने पैसे कहाँ से मैं दूँ आपको, यहाँ तो फिर 4-5 साल ठहर जाओ, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, तो फिर मैं आपको दे दूंगा। 6 तारीख को सुनिए, 6 तारीख को बात हुई थी ठीक है। तो मैडम आज कितनी तारीख है? 6 तारीख को बात हुई थी तो आज 22 तारीख है। क्या हुआ? 6 को बात हुई थी तो आज 22 है। हाँ वही 6 तारीख को बात हुई थी, आज 22 से 6 तारीख को बोला गया था कि सेटलमेंट करेंगे, 50,000 में इनका क्लोज हो जाएगा, 12 बजे 15 तारीख को पेमेंट कर देंगे, पर हुआ ही नहीं पेमेंट, मिनिमम पेमेंट भी नहीं हुआ सर। मैडम वो आपको समझ क्यों नहीं आ रही है, एक बात मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि वो आउट ऑफ कंट्री है, वो यहाँ पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो आप फिर बच्चों वाली बात। उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है क्या उनका? कनाडा का कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से दे दूँ मैं आपको? बोलिए अब। क्या सर? कनाडा का नंबर कहाँ से दे दूँ मैं आपको? क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कनाडा का नंबर कहाँ से दे दूँ आपको? अच्छा